पंजाब में सरकार बनने के बाद पड़ोसी राज्यों में दूसरे नेताओं का आम आदमी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। हरियाणा के पूर्व मंत्री और एचडीएफ के संस्थापक निर्मल सिंह भी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का हाथ थामा है और केजरीवाल ने पार्टी का पटका पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल कराया। इसके साथ ही उनकी बेटी चित्रा सरवारा भी आम आदमी पार्टी में आज शामिल हो गई हैं और उनके कई समर्थकों ने भी आम आदमी पार्टी का हाथ थामा है। इससे पहले कांग्रेस के हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर भी आम आदमी पार्टी में पहले ही शामिल हो चुके हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज पंचकूला का दौरा किया है। पंचकूला में आज नेशनल हेल्थ फेस्ट फॉर दिव्यांग जन का आयोजन किया गया था। अनिल विज ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सेक्टर 3 में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी पहुंचे थे और साथ ही मंत्री ओपी यादव, स्वास्थ्य विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा और अन्य अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि कोविड काल में डॉक्टरों ने बहुत कुछ करके दिखाया है और हमारे चिकित्सकों ने हजारों जिंदगियों को बचाया है और कुछ ने तो अपनी जिंदगियां भी कुर्बान की हैं। अनिल विज ने कहा कि देश प्रदेश के तमाम डॉक्टरों को हम सलाम करते हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। यूएनओ ने 1950 से इसको मनाने का निर्णय किया हुआ है और इसका असली मकसद है लोगों में स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस पैदा करना, वो इसका मकसद है। और इन दो सालों में तो ये जो कोविड की लहर आई है, डॉक्टरों ने बहुत कुछ करके दिखाया है, अपनी जिंदगियां भी खोई हैं और हजारों जिंदगियों को बचाया भी है।